सभी दर्शकों का जेबीसी 7 न्यूज पे स्वागत है। और आज इस प्रतियोगिता का छठा दिन दहियड़ और बनमंदोरी के बीच आज के दिन का पहला मैच खेला जाएगा थोड़ी देर में। और जो भी दर्शक लाइव हैं जबरदस्त मैच होने की उम्मीद है, जरूर सब्सक्राइब करें। अरनिया वाली आर्य नगर हडल्ली रामगढ़ और बिरान निर्माण हडल्ली निर्माण आर्य नगर अरनिया वाली रामगढ़ जबरदस्ती में है और वन मंदोरी और दहियड़ मैच जल्द से जल्द शुरू करवाएं। चार फील्डर जाए यार, कमाल हो रही है यार। खुदा जब गया खुदा अंपायर जल्द से जल्द मैच शुरू करवाएं। सुरेंद्र दुधिया फील्डिंग के लिए ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। दर्शकों की मांग थी कि सुरेंद्र दुधिया वन मंदोरी को फील्डिंग करवाएंगे और उनकी मांग पूरी। सुरेंद्र दुधिया तुरुप का इक्का साबित होंगे। दुधिया अब जगह ढूंढनी पड़ रही है कि आखिर कहां सेट किया जाए। एक बेहतरीन मुकाबला आज के दिन का। प्रवीण दहियड़ की तरफ से सुभाष और प्रवीण की जोड़ी बीच मैदान है। इसी बीच रोहतास चले ये गेंद प्रवीण के लिए स्केले की दिशा में खेला है। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, बुधराम उसके पीछे लेकिन गेंद चकमा देती हुई चली गई चार रनों के लिए। पहली गेंद पर चौका बटोरा प्रवीण ने, दहियड़ का खाता खुलता हुआ इन चार रनों की सहायता से। आज इस प्रतियोगिता का छठा दिन बनमंदोरी वर्सेस दहियड़ के बीच पहला मैच और चार सरकारी फील्डरों का प्रबंध किया गया है मैदान पर कमेटी की तरफ से। सुरेंद्र दुधिया 100 रुपए पल्ले से देकर मैदान पे उतरे हैं। अब की बार लेग साइड में खेला है, सरकारी फील्डर वहां पे मौजूद। काफी तेज दौड़, 2 रन टोटल स्कोर 6 रन। सुरेंद्र दुधिया तूफानी क्लब लेके मैदान पर उतरेंगे कल। इनका जो मॉडल है जो जिस समय से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं वो 1986 1964 में इनका जन्म इसी गांव में हुआ था। ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा इनका क्रिकेट में। ये बॉल बहुत ही बेहतरीन खेला, खिलाड़ी बॉल के नीचे कैच ड्रॉप, जीवन दान मिला बल्लेबाज को। पहली बार सामना करेंगे सुभाष, ये गेंद रोहतास की सुभाष के लिए। स्कोर पहुंचा 8 रन है पहले ओवर के चलते बिना कोई विकेट खोए दहियड़। एक बार फिर से बुधराम वहां पर मौजूद।
जो कमेटी के बैट है वो दैयड़ के पास मौजूद है। एक बार फिर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ये बॉल, अच्छी गेंदबाजी। एक ओवर की समाप्ति में स्कोर है 9 रन। और आज के हमारे मुख्य अतिथि मदन सिहाग हमारे बीच पहुंच चुके हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन मैदान पर। जैसे ही इनको पता चला कि सुरेंद्र सिहाग दूधिया मैदान पर उतरे हैं मैच देखने के लिए, मैदान पर आए हैं मदन सिहाग। अच्छा योगदान रहता है मदन सिहाग का जब जब गांव में खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। बॉलर नेम संदीप, एक बार फिर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बॉल करेंगे। ये बॉल अब की बार उसी दिशा में खेला जहां दर्शकों की मांग थी। सुरेंद्र दूधिया 93 की स्पीड से मैदान से बाहर जाते हुए। काफी एनर्जी। सन 1964 वो जून का महीना जब इनका जन्म हुआ गांव जांडवाड़ा बाकड़। एक बार फिर राइट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे। अब की बार बुधराम, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन, टोटल स्कोर 14 रन। अब की बार है अच्छी गेंदबाजी संदीप के द्वारा और बल्लेबाजी कर रहे हैं सुभाष। एक बार फिर से सुभाष के लिए बॉल, सुभाष ने बल्ले को हवा में लहराया, गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। थोड़ा पिच गीली हुई है तो बॉलरों को मदद जरूर मिलेगी। एक बार फिर सामना करेंगे सुभाष। अब की बार कदमों का प्रयास, फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग। सुभाष -300 का स्ट्राइक रेटिंग का, 5 गेंदे 1 रन। बड़ी हिट लगानी होगी क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। अब की बार खेला वहां पे, अच्छी फील्डिंग, टोटल स्कोर 15 रन। 2 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। लॉन्ग ऑन जहां पे जांडवाड़ा के सबसे बेहतरीन युवा ऑलराउंडर अनमोल, काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था अनमोल का वर्ष 2020 के अंदर है, लेकिन काफी थकावट देखने को मिली। गोवा गए, वहां पे छुट्टियां मनाई, वापिस लौटे, 5 दिन बाद गांव का मैच हुआ और अनमोल कुछ ज्यादा नहीं कर पाए गांव के लिए, दर्शक काफी निराश, तो पूरी रात गांव से गायब रहे अनमोल। बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कल कमेटी को, 53 रन का लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई जांडवाड़ा की टीम। एक बार फिर से ग्राउंडेड खेला, काफी अच्छा प्रयास था रोकने का, साथी फील्डर ने रोका थोड़ा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा 1 रन के रूप में। टोटल स्कोर 18 रन और साथी स्कोरर सुनील वो भी जांडवाड़ा की टीम का थे, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए कल के मैच में। कटप्पा से काफी उम्मीदें थी गांव को, कटप्पा ने निराश किया। और मुझे धमकियां भी मिल रही है कटप्पा की तरफ से। काफी धमकियां मिल रही हैं। कटप्पा बहुत बड़ी उम्मीद थी गांव को,
शायद फ्लाइट से चंडीगढ़ जा चुके हैं कटप्पा। एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं, ग्राउंडेड शॉट। टोटल स्कोर 20 रन और इस मैच का जो लाइव प्रसारण है वो जेबीसी 7 यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। आप यूट्यूब पे जाके जेबीसी 7 लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जब जब जो मैच होंगे ऊपर मैच के हिसाब से आपको नोटिफिकेशन जारी होगा, आप घर बैठ के भी मैचों का आनंद ले सकते हैं। अच्छी क्रिकेट मैदान पर जारी, कोई बड़ी हिट नहीं लगी है अभी तक है। एक बार फिर से एक अच्छा कैच, प्रवीण आउट हुए। तीन ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 20 रन। तैयार नए बल्लेबाज गुरमीत, कोई बड़ा स्कोर नहीं है अभी तक है तैयार की ओर से। एक बार फिर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए धीरे से खेल दिया, वहीं पे केवल एक रन। सुरेंद्र दूधिया नाम ही काफी है इस प्लेयर का, इतना जज्बा है क्रिकेट के प्रति। एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ पे खेला, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, केवल एक रन। बड़ी हिट लगानी होगी, एक बड़ा स्कोर बनाना होगा दैयड़ को। एक बार फिर ये बॉल, अब की बार बल्लेबाज कुछ नहीं समझ पाए। थोड़ा बॉलरों ने आज परेशान किया है बल्लेबाजों को। एक बार फिर ये बॉल, फिर से नहीं समझ पाए बल्लेबाज कुछ भी। पिच में थोड़ी नमी, थोड़ा स्विंग मिल रहा है बॉलर को। अच्छी गेंदबाजी बनमदोरी की ओर से। अब की बार ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बार बार उठा के मारने का प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन सफलतापूर्वक बॉल और बल्ले का जो तालमेल है वो नहीं बैठ रहा। स्कोर 23 रन, चौथा ओवर प्रगति पर, 6-6 ओवरों का ये मैच। एक बार फिर सामना करेंगे नए बल्लेबाज, फिर से ऑफ दिशा में खेला, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। अच्छी रनिंग, मौका था 2 रन लेने का। 4 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 25 रन। बॉलर नेम बुद्राम, बुद्राम इस टीम में 2 बुद्राम इस समय है, एक सरकारी फील्डर के रूप में बुद्राम सेवाएं दे रहे हैं। एक ही जैसा कलर उनकी टी शर्ट का। बुद्राम राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बॉल और बुद्राम की दिशा में खेल दिया, बुद्राम बॉल के नीचे और बुद्राम ने कारनामा कर दिखाया।
1000 कैच ड्रॉप करने का रिकॉर्ड बुधराम के नाम। कमेटी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बुधराम को, उज्जवल भविष्य उनका। पूरे 1000 कैच छोड़ चुके हैं, फिर से बुधराम है, देखना है पकड़ पाते हैं कि नहीं। अब की बार है अच्छी वापसी बुधराम की। ये रिकॉर्ड बनाने मैदान में उतरे थे और वो रिकॉर्ड इनके नाम। कल शाम को जो मैच हुआ था उसमें ये रिकॉर्ड नहीं बना पाए थे, 999 कैच और पूरे 1000 हो चुके हैं इनके। बुधराम ने बुधराम का साथ नहीं दिया। एक बार फिर बुधराम की ये बॉल, अब की बार लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। टोटल स्कोर 30 रन। एक बार फिर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बॉल, अब की बार अनमोल बॉल के नीचे, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन कैच। एक और विकेट डाउन दैयड़ का, बड़ी हिट लगानी होगी बची हुई गेंदों पर, तब जाके एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता है। केवल 8 गेंदें शेष इस मैच की, अब देखने 8 गेंदों में क्या स्कोर बन पाता है। अब की बार बॉल को फुल टॉस डाला, कोई ज्यादा बड़ा लाभ नहीं मिला बल्लेबाज को। एक बार फिर से बुधराम की दिशा में उठा दिया, क्या बुधराम 1001 कैच कर पाएंगे? वही हुआ, बुधराम के 1001 कैच ड्रॉप पूरे। दर्शकों ने ताड़ियां बजाई, बुधराम का स्वागत किया। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 33 रन। गांव में खुशी का माहौल, एक बड़ा रिकॉर्ड बुधराम के नाम। बॉलर नेम राजबीर। बुधराम ने काफी निराश किया बनमंदोरी को, तो बड़ी विकेट हो सकती थी। 9 बॉल का इशारा हो सकती थी, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। एक बेहतरीन बाउंड्री दैयड़ को मिली गुरमीत, तीसरी बाउंड्री गुरमीत के बल्ले से। गुरमीत को जीवनदान दिया था बुधराम ने। अगर बुधराम की जगह सुरेंद्र दूधिया को इधर मौका दिया जाता तो वो कैच नहीं छोड़ते, रिकॉर्ड है उनका। बिल्कुल उसी दिशा में, वही हुआ, बहुत ही बेहतरीन प्रयास। गाड़ी गैस पे थी, अगर पेट्रोल पे होती तो ले लेते। एलपीजी की किट लगी है सुरेंद्र दूधिया के अंदर। बिल्कुल एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर हुआ 45 रन। गुरमीत, जिनको जीवनदान मिला था उसका भरपूर फायदा उठाया गुरमीत ने। सुरेंद्र सिहाग, जिन्होंने निराश किया बनमंदोरी को, जीवन का पहला कैच ड्रॉप, एक बार फिर से उठा दिया, अच्छा प्रयास, बेहतरीन कैच।
सुरेंद्र सिंह को सीखना होगा इस फील्डर के माध्यम से कि कैसे कैसे कैच पकड़े जाते हैं मैदान पर। तूफानी क्लब सुरेंद्र सियाग से अभी वार्तालाप हुई फोन के माध्यम से, पूछा गया कि आखिर कहां दिक्कत आई आपको, तो उन्होंने बताया कि हवा में बॉल स्विंग हो गई थी। एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन खेला, अनुमान वहां पे मौजूद, नहीं रोक पाए, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर हुआ 49 रन। थोड़ा गेयर चेंज किया है दहीड़ ने, स्पीड बढ़ाई है अंतिम बॉलों में। अब देखने अंतिम बॉल पे क्या करते हैं गुरमीत। बहुत ही अच्छा प्रयास, थोड़ा सफल नहीं हुए। केवल एक रन। इसी के साथ दहीड़ की 50 पूरी। शायद सुरेंद्र सियाग वहीं रहेंगे फील्डिंग करवाते हुए। 51 रन का लक्ष्य है और इसी प्रकार का एक लक्ष्य है कल शाम को जो अंतिम मुकाबला था उसमें रखा गया था, जो कि जांडवाड़ा की टीम है पूरा नहीं कर पाई। क्या रन का लक्ष्य है बनमदारी के सामने, और बुद्धराम कमेंट्री बॉक्स में आए, उनको सम्मानित किया जाएगा कमेटी की तरफ से। 1001 कैच छोड़ने वाले पहले फील्डर। दो फील्डरों की मांग, बुद्धराम मैदान में ही रहेंगे भाई, बुद्धराम और सुरेंद्र सिहाग बेहतरीन फील्डर जंडवाड़ा के, जिन्होंने थोड़ी देर पहले मैदान पे कारनामा कर दिखाया था। बुद्धराम ने वो कारनामा दो बार किया, सुरेंद्र सियाग ने एक बार किया। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि मैच में जो ट्विस्ट चाहिए था उसके लिए हमने कैच छोड़े। 25 पे अगर ऑल आउट हो जाती तो कोई मैच नहीं लगता, और कुछ रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखा इन्होंने। सुरेंद्र सियाग काफी थके आ रहे हैं, मैदान से बाहर आ रहे हैं, टेकचंद उनको लेके आ रहे हैं, पकड़ के लेके आ रहे हैं। थोड़ी चोट लगी है सुरेंद्र सियाग को, इंजर्ड हुए हैं, फिसल गए थे वहां पे। अच्छी बेहतरीन ड्राइव देखने को मिली थी, हवा में बॉल स्विंग कैच ड्रॉप। बिल्कुल बुद्धराम, टेकचंद का कहना है कि गांव को झूठा नहीं घेरेंगे बुद्धराम। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आज के दिन का, ये पहला मैच दहीड़ वर्सेस बनमंदोरी। कल तक बॉलर्स को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। लक्ष्य है बनमंदोरी वर्सेस दहीड़। विकास बॉलिंग रन पर तैयार,
काफी लंबा रन अप उनका, अच्छी सुलझी हुई गेंदबाजी देखने को मिलेगी विकास के द्वारा। एक बार फिर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ये बॉल, बहुत ही बेहतरीन ग्राउंडेड खेला, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, आसानी से दो रन पूरे किए। इसी दो रन के साथ है बनमंदोली ने शुरुआत की है। मदन सियाग एक बार फिर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए विकास की है बॉल, अब की बार बहुत ही बेहतरीन खेला, बहुत ही बेहतरीन। अच्छी क्रिकेट मैदान पर जारी, बल्लेबाज ने पर स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए अब की बार लेग साइड में खेला, काफी तेज दौड़, वहां रोक पाना बड़ा मुश्किल। टोटल स्कोर 16 रन, 51 रन का लक्ष्य रखा है दैयर ने बनमंदोरी के सामने। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, काफी टाइट फील्डिंग करनी होगी। एक बार फिर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बॉल, अब की बार धीरे से गली क्षेत्र में खेला, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, केवल एक रन। और इस मैच का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल JBC7 के माध्यम से पूरे विश्व में देखा जा सकता है। नेपाल, सऊदी अरब इमारात और इंडिया, जहां सबसे ज्यादा देखा जाता है JBC7। बहुत ही बेहतरीन आज के दिन का पहला छक्का रोहतास, स्कोर 23 रन। ऐसी ही बड़ी हिटों से बचना होगा अगर दैयर को जीत हासिल करनी है तो। बहुत ही बेहतरीन खेला गया शॉट, 6 रन। अगली बार फिर से लेग साइड में खेला, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद फिर से बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। दो ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 27 रन। पावर प्ले का खूबसूरत फायदा उठाया बनमंदोरी ने, जिस समय टीम को आवश्यकता थी उससे उभार के लेके आए बनमंदोरी को, मौका था पावर प्ले का, उसका भरपूर फायदा उठाया। दैयर और बनमंदोरी के बीच ये मुकाबला कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है बनमंदोरी के सामने,
पिछला जो ओवर था काफी महंगा साबित हुआ था दैयड़ के लिए। एक बार फिर से बहुत ही ग्राउंडेड शॉट खेला, केवल एक रन। एक बार फिर काफी लंबा रन अप बॉलिंग का आगाज करने आए थे दैयड़ की ओर से। अच्छी गेंदबाजी, फिर से लॉन्ग ऑफ साइड खेला, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, केवल एक रन। विकास के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी दैयड़ की ओर से, लेकिन जो साथी खिलाड़ी हैं वो ज्यादा साथ नहीं दे पाए। एक बार फिर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बॉल, अब की बार है, लेग साइड में खेला, दो फील्डर वहां पे मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मौका था दो रन लेने का। अच्छी क्रिकेट मैदान पर। एक बार फिर विकास अपने बॉलिंग रन पर तैयार, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ये बॉल, अब की बार लॉन्ग ऑन साइड खेला, अनमोल, अच्छी फील्डिंग, एक बार फिर विकास तैयार अपने बॉलिंग रन अप पर, ये बॉल बहुत ही बेहतरीन गैप में खेला गया शॉट, चार रनों के लिए, टोटल स्कोर हुआ 36 रन, 51 रन का लक्ष्य। बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं बनमंदोरी के बल्लेबाज। एक बार फिर सामना करेंगे विकास का, अब की बार कदमों का अच्छा लाभ उठाया, गेंद बाउंड्री लाइन से बार, चार रनों के लिए। तीन ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 40 रन। संदीप भारतीय कमेंट्री बॉक्स में उनका स्वागत, और आज के दिन की जो पहली चाय है उसकी शुरुआत हो चुकी है। संदीप भारतीय लगभग वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और इसी वाइड के साथ पहला कप संदीप भारतीय उठा चुके हैं। पूरे दिन में लगभग 70-75-80 के आसपास इनकी चाय होती है। एक बार फिर से कदमों का उपयोग, स्टंपिंग की अपील की जा रही है, काफी अनुभवी अंपायर दोहरू, तकिया कलाम के साथ तुंडर भी बोला जाता है, काफी अनुभव उनके पास। एक बार फिर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ये बॉल, अब की बार बहुत ही बेहतरीन खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बहुत ही बेहतरीन कैच, थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है इस कैच ने बनमंदोरी के सामने। अच्छा मुकाबला दैयड़ वर्सेस बनमंदोरी के बीच। दैयड़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन का स्कोर खड़ा किया, 6-6 ओवरों का यह मैच। एक बार फिर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ये बॉल, अब की बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, कुछ नहीं समझ पाए बल्लेबाज, जीतने के लिए केवल 10 रनों की और आवश्यकता।
एक बार फिर से सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज। अब की बार है श्री प्रक्षेत्र में खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग अच्छा थ्रो। अगर बनमंदोरी इस मैच को जीत लेती है केवल 9 रनों की ओर आवश्यकता। बनमंदोरी अगर इस मैच को जीत लेती है तो जो बुधराम ने 2 कैच छोड़े थे उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। एक बार फिर अनमोल बॉल के नीचे, काफी अच्छा प्रयास, कैच नहीं लपक पाए, मौका था 2 रन लेने का और आसानी से 2 रन पूरे किए। आज के दिन का पहला मैच दैयड़ वर्सेज बनमंदोरी, आकर्षक केंद्र है बुधराम सरकारी फील्डर के रूप में 2 कैच, सुरेंद्र सिहाग उनकी भी काफी तारीफ, और पहले बोला था कि सुरेंद्र सिहाग ने एक ही कैच छोड़ा तो एक ही बाल जाए उस तरफ गई थी, एक ही कैच छोड़ेगा, अगर दूसरी जाती थी दूसरा भी छोड़ देते। एक बार फिर से ऑफसाइड में खेला सरकारी फील्डर वहां पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग। एक बड़ी घोषणा टेकचंद बातों के द्वारा कि अशोक पटवारी अगर हैट्रिक लगाते हैं विकेटों की तो 500 रुपए। एक बार फिर से अच्छा प्रयास, असली क्षेत्र में पहुंची बॉल, रन आउट का खतरा वहां पे। बल्लेबाज ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद मैदान में जा पहुंचे अपनी क्रीज में। रामगढ़ और दड़बा के दोनों कैप्टन या सीनियर खिलाड़ी आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में, और मैच समाप्ति की ओर बनमंदोरी की झोली में जाता हुआ लगभग 90%। 9 गेंदे 4 रन, अभी भी जान बाकी, जान बाकी, पहचान बाकी। गेंद के नीचे फील्डर और लपक लिए गए, पहला झटका दिया अशोक ने। 8 गेंदे 4 रन, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। और कल एक अंतिम मैच खतरनाक मोड़ पे समाप्त हुआ, जानवाला वर्सेज मारक है। फिर से लेग साइड में उठाया, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, कैच ड्रॉप, अगर ये कैच न पकड़ लेते मुश्किलें बढ़ जाती बनमंदोरी के लिए। टेकचंद ने घोषणा की थी हैट्रिक की, लगातार 2 विकेटें गिर जाती लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। अगर लगातार 2 विकेटें गिर जाती तो टेकचंद से 450 जरूर दिलवाते हैं अशोक पटवारी को, क्योंकि पूर्ण हैट्रिक होगी तो। और इसी के साथ ये जो मैच है वो बनमंदोरी ने जीत लिया। आर्य नगर वर्सेस दड़बा, टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे हैं। तेज हवाएं मैदान पर चलती हुई, बहुत सुंदर मैच होगा आर्य नगर वर्सेस दड़बा, दोनों ही टीमें आक्रामक। दड़बा ने 2 जीतकर पहले साइड बल्लेबाजी का बारिश के कारण साउंड में थोड़ी गड़बड़ है। आज के दिन का दूसरा मैच दड़बा वर्सेज आर्य नगर की बहुत अच्छी
टीम और दड़बा की भी बहुत अच्छी टीम है। इस मैच के निर्णायक अनमोल और राजेश इकाल हारता ही ज्यादा मुका और गलत निर्णय का मैच था, कमेटी का तो मैच था, आखिरी दिन होना था। सभी दर्शक ध्यान दें, आर्य नगर वर्सेज दड़बा, थोड़ी देर में पूरे मैच को लाइव किया जाएगा, बने रहें आप जेबीसी 7 के साथ। अच्छा, बड़े बड़े अच्छे मुकाबले आज आपको देखने को मिलेंगे इस मैदान पर।